नमस्कार दोस्तों, मैं चिन्मय फिर से आ गया हूँ आजादपुर मंडी पे और 4 नंबर शेड में और वाईटी पे आ गया हूँ। और बाबूजी यहाँ पे बैठे हुए हैं अंदर और भैया जी इधर है, दिखाई दे रहे। और आज तारीख है 9 अगस्त 2024, शुक्रवार का दिन है। तो चलिए आज जानने की कोशिश करते हैं 12 बजे के बाद अदरक का क्या भाव चल रहा है, कितनी गाड़ी आई हुई है और क्या परिस्थिति है आज के दिन। और यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये है आपका जो छाट वाला माल है ये है। और बाबूजी इधर बैठे हुए देखो, और ये अदरक है देखो भाई, साफ सुथरा अदरक देखो, आज साफ सुथरा माल आया हुआ है। हाँ बाबूजी ने दिखा दिया, बाबूजी तो देखो माल देखो, आज सोना माल आया हुआ है लग रहा है मुझे, साफ सुथरा और जीप से भी चाट सकते हो ऐसा माल आया हुआ है, बिल्कुल साफ बिना मिट्टी वाला ना। तो सर धुलाई किया हुआ है क्या, ये धुलाई किया हुआ माल है बिल्कुल। तो भैया जी आज सबसे पहले बताइए आज गाड़ी कितना है? 15 गाड़ी। तो आपके पास कितने गाड़ी है? सिर्फ एक। एक गाड़ी कौन सा? ये वाला कौन सा, नाम तो बताओ है? नाम YT 266। अरे ना गाड़ी कौन सा, पंजाब बेंगलोर। ओके नया ये वाला माल है, ओल्ड ओल्ड पुराना माल है। तो पुराना गाड़ी कितना है? पुराना पांच गाड़ी। थोड़ा सा अराइवल बड़ा ज्यादा हुआ है। और नया? नया 11 गाड़ी। 11 तो 16 गाड़ी हो गया ना। तो ये बताइए आज आज का जो बाजार है ग्राहक कैसा है? आज थोड़ा नम है। नम है तो क्या बरसात हो गया था बीच बीच में दो बार? बरसात हो गया, थोड़ा ग्राहक कमजोर है। कमजोर है तो माल तो सबके पास ही दिखाई दे रहा है। इधर 2-4 ही आरती है, इधर भी 2-4 आरती। आरती सारे भाग गए क्या? ये ऐसा ना मंडी लगती है 4 बजे। हाँ 4 बजे, 4-5 बजे खुल जाती है मंडी। अच्छा 4-5 बजे खुल रही है, रात को 2:30 बजे भी माल मिल जाएगा आपको फ्री होके। क्या बात है, नया आ रहा है ना, नया को बेचना पड़ेगा। ओके ओके, इसीलिए मतलब ये लोग, मैं सुबह भी आता हूँ, मैं सुबह कल आप आते हो कितने बजे वो बताओ? मैं आता हूँ 5:30 के लगभग सुबह। चलो कल देखते हैं, मैं भी 5:30 बजे आ जाता हूँ यहाँ पे मंडी पे। मिलेंगे आपको, आपको 8:30 मिलेंगे उस टाइम पे। बिल्कुल 100% बिल्कुल बिल्कुल, मैं सुबह मिलेंगे, पूरा मंडी भरा मिलेगा। मैं 7 बजे नहीं, मैं पहले आऊंगा, मेरा टाइम मिलेगा आपको। ओके ओके चलिए सुबह आता हूँ कल, क्योंकि मैं सुबह सुबह आता हूँ यहाँ पे जो हिमाचल का सब्जियाँ लेने आता हूँ, सबसे पहले इनका इंटरव्यू लेता हूँ तो फिर आगे चल जाता हूँ उधर। तो आज पता चला तो मैं तो सोचता था 9 बजे आपको आरती जो है जल्दी से रिटर्न बताएंगे। हाँ ये तो बात है ना, आप बताओगे या नहीं? अपना तो ओपन काम होता है। हाँ ओके ओके, वही हम विश्वास करते हैं भाव करने पे। बोलो कल सुबह मिलेंगे भाव करने का। ओके ओके, बिना भाव पे हम विश्वास नहीं करते। ओके बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ लोगों का है कि सुबह ग्राहक ले जाए बिना भाव, शाम को देखेंगे। शाम को देखेंगे, देखना नहीं है, माल हमारा है, भाव करके देंगे। ओके यहाँ पे देंगे, यहाँ पे पैसे का लेन देन सब है, चाहे 200 का है। हाँ जो सामने है भाव करोगे अभी करो, बाद में नहीं। बाद में क्यों करें भाई? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको अपना हाथ पकड़ा दूँ, उसके बाद बोलो वापस दे दो, दे दोगे क्या आप? नहीं नहीं, आप अपनी मर्जी से दोगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब वो तो रेट तय करके ले जाना अच्छी बात रहता है, बाद में बोलेगा भाई बिकाई नहीं माल खराब है। यही होता था, ये तो अब नया नया परंपरा चला पड़ा है कि ग्राहक सुबह माल ले जाता है और शाम को 4 बजे रेट भरे जाएंगे। तो इसके ऊपर एक बात कहना चाहूंगा, असल में क्या हो गया, सबको पैसा कमाना है तो सबको क्या है अपना माल बेचना है, तो सोचते है भाई अगला वाला बंदा बोलेगा भाई तू नहीं है तो कोई और है, और से ले लूंगा, तू उधार देते है। उधार तो बिकता ही है। हाँ उधार तो बिकता है यार, उसी चक्कर में लोग फंसते भी है, करोड़ों रुपए का उधार लगा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, 5-6 करोड़ की उधारी है हमारी। बिल्कुल बताओ, लेकिन बात उधारी की नहीं है, बात है माल बेचने की। माल बेचने की, मतलब रेट अभी तय करके। पहले एक एक आरती के पास दिल्ली में 20-20 गाड़ी आता था, 15-15 गाड़ी आता था, 15 का 15 का भाव होता था। ओके अब क्या है, नए में भाव ऐसे बिना भाव होता है, बाकी शाम को देख के जो बाजार समझ आता है, ग्राहक से बात करके उसको हैंडल करते हैं। ओके ओके ओके, जो भी है पॉपुलेशन का मार हो रहा है आजकल, झेल रहे लोग, और इसी वजह से हर कोई इंटरव्यू देने में सक्षम नहीं है आज के दिन में। देखो अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। बिल्कुल, जो मैं बात बोल रहा हूँ सही है, बिल्कुल नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। आज मैं भी जिसको अपने पे थोड़ा भरोसा कम लगेगा कि यार मैं गलत दे रहा हूँ, जिसको अपने पूरा कॉन्फिडेंस ही नहीं है, ना मैं बाजार 60 का है
या 55 का है, वो कैसे बता देगा? बिल्कुल बिल्कुल आप सही बोल। अगर इनको एक कॉन्फिडेंस हो तो सुबह रेट खोलते ना। यार एक भाई ने मुझे कमेंट किया था, आप पहले मुंशी थे बोले, मैं बोला हाँ साला मुंशी की है। आपने बताया हुआ है, ये तो सच बात है। नौकरी की है मैंने, बिल्कुल बिल्कुल। भी कमेंट किया उसको बताना 22 साल नौकरी की है मैंने। हाँ ना, मैंने बोला मुझे पता है, आपने बताया हुआ है मेरे वीडियो में, जब पहले जो मुंशीगिरी किए हुए उसका बाद टाइम बदला। यहाँ मेरा बाप मेरे को कोई ना देखे नहीं गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, खुद ले बेटा संभाल गद्दी को। बिल्कुल बिल्कुल, ये अपने काम से काम है। ओके, मेहनत किया आपने, 22 साल मेहनत किया है, 7 वाली आड़त है A1। हाँ, इसके ऊपर नौकरी की है 22 साल। 22 साल और 22 साल का रिकॉर्ड जमरजी उठाना पूरी मंडी में। बिल्कुल, मेरे नाम से यहाँ पे नहीं, नींबू मंडी जाना। हाँ। सब्जी में जाना आप जाते हो ना। हाँ, हाँ। मेरे नाम से कहीं भी पूछना आप। ओके, पूरे आजादपुर मंडी में फ्रूट छोड़ के कहीं पूछना आप मेरे रिकॉर्ड के बारे में। ओके, इसमें कोई झूठ नहीं है, जो बोल रहा है जो बोल रहा है वो सच बोल रहा है। सच बोल ना, मैंने भी बोला, मुझे पता है, बता रहा है, सच बता रहा है। लेकिन शायद मैंने आपको ये बात बहुत पहले बता चुका हूँ मैं। हाँ, मुझे पता है, मुझे टाइम बताने में कोई डर नहीं है। डर नहीं है ना, सबका देखो, सबका दिन आता है, टाइम आता है। हाँ, तो मेहनत कब तक मजदूरी करते रहेंगे, कभी ना कभी तो हौसला करके आगे बढ़ना चाहिए। जब मेहनत मुंशीगिरी करते थे तब भी बढ़िया था। हाँ, अभी बढ़िया है, अभी बढ़िया है। तो बताइए रेट तो बताओ पहले, सबसे पहले ये पुराने का क्या रेट चल रहा है? मोटा मोटी 150 मोटा मोटी ये एवरेज वाला रेट है। हाँ, तो देखो 130-125 भाई वाला है, 30 रुपए किलो वो, 30 रुपए भाई छाट वाला, 15-20 रुपए किलो भाई ये, 15-20 रुपए भाई, ले जाओ भाई ले जाओ, 15-20 रुपए है ये सुखा माल भाई, ये 15-20 रुपए किलो भी दे रहे है। ये क्या है, होटल वाला जो ले जाता हमारा सप्लाई। हाँ, वो बड़ी बड़ी सप्लाई आके दे दिया। हाँ, जो मतलब हल्का बचा पूरा कुवाला बचा। हाँ, उसका वापिस आ जाता है। ओके ओके ओके, वो उसको बेचना पड़ता है, उसका बेचना पड़ता है। पार्टी रेगुलर रखा हुआ है, okay. 10 बोरी उसका जाता है रोज। ओके okay. वो बोरी सारा छांट लेता है बढ़िया बढ़िया। हाँ, जो बच जाता है हल्का अभी है या कुछ है okay. उसको लायक नहीं है, उसको वापस दे देता है। ओके okay, ओके okay. जो कंपनियां चला रहे हैं वो लोग लेके जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो गाइस देखो आज रेट जो है 150 रुपए ऊपर और नीचे, ऊपर टॉप का रेट हो, टॉप का रेट 150 है। और आप आओगे तो अलग अलग आरतियों के पास 5-10 रुपए ऊपर नीचे हो सकता है। वो तो देखो जैसे क्वालिटी है, क्वालिटी तो है नहीं। हाँ, हाँ। आज नया अदरक जो ऊपर में बिका 50 रुपए मान लो, 50 तो नीचे में 40-42 भी मिल जाएगा, 40-42 भी मिल जाएगा। देखो अब 20 गाड़ी है, 15 गाड़ी है, एक खेत का माल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, अलग अलग खेत का है। बेंगलोर 500 किलोमीटर का एरिया है। हाँ, तो 500 किलोमीटर के एरिया से माल भरे जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सोना नहीं है कि 24 कैरेट का है या 23 का है या 22 का है। बिल्कुल, खेती है, कहीं अच्छा होता है, कहीं हल्का होता है, कहीं नम होता है, कोई बिल्कुल, फसल बिल्कुल। कोई बोरी दागी हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, कोई बहुत सुपर पहुंच रहा है। तो सब्जी है, सब्जी के हिसाब से बिकती है, बाकी टाइम बिकता है। बिल्कुल टाइम बिकता है, टाइम के अकॉर्डिंग रेट होता है। अगर टाइम पे आज के दिन में अगर गाड़ियां कम आता तो रेट और ऊंचा होता। तो भैया जी, तो आपका जो और माल एक आता है ना, मोर आता है, वो क्या रेट है? मोर भी तो 25 रुपए किलो आया हुआ है, आया था, बेच दिया, बेच दिया 25 रुपए किलो। तो मतलब मार्केट में ज्यादातर अभी नया ही माल चल रहा है, पुराना भी है, नया भी है, दोनों ही आ रहे हैं। तो पुराना माल कौन ज्यादा पसंद कर रहे हैं इस टाइम? पुराने की खपत बहुत कम है, खपत कम है, मतलब लगा लो कि दिल्ली में इस टाइम 15% पुराने की डिमांड है। 15% एवरेज लोगों तो कम ही पड़ेगी, कभी पड़ेगी। हाँ, मतलब 10% भी नहीं आएगी, बाकी इस टाइम 80% कम से कम बोल सकते हैं बड़े आराम से। ओके, 80-90% जो है ग्राहक नया अदरक ले रहे हैं, नया अदरक ले रहे ना। मैं भी जो मर्जी हो, चाहे 50 हो, 60 हो, 20 हो, 30 हो, लेकिन वो बिकता है, बिकता है ना, मेरे हिसाब से आराम आराम से बिकता है ये, आराम से। मगर जो 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 खुशबू मिलता है बढ़िया, मतलब खाने में जो मिलता है वो पुराने में ही है। क्योंकि कल भी मैं नया लेके गया था, पर्सनल बात बता रहा हूँ लोगों को, जो मैं कल ले गया था तो ज्यादा नहीं 10 का ही ले गया था भाई, हमें तो मगर मजा नहीं आया। नए में नया बिक रहा 40-45 रुपए। हाँ, बात को समझो आप, किलो और ये 150 रुपए किलो है। हाँ बिल्कुल, रेट में अंतर बहुत हो गया, अंतर बहुत हो गया। नया आएगा 3 किलो। हाँ, ये आएगा 1 किलो, 1 किलो इसी वजह से। तो कोई बात नहीं, जो भी है तो भैया कॉन्टेक्ट नंबर दे दो अपना, अच्छा जानकारी दे दिया। 7337-8187 अश्विनी YT-266। तो भैया जी, और एक चीज पूछना चाहेंगे, कल के दिन में क्या भाव हो सकता है, ऊपर जाएगा या नीचे? ये बात अनुमान लगा रहे हैं। अनुमान है कि अगर देखो गाड़ी
कम रहती है। हाँ तो बाजार ऊपर 2000 रुपए पर कोई बड़ी बात नहीं है। आपका गाड़ी आ रहा है? नया है मेरा। आपका कल है? नया या पुराना? दोनों है, दोनों दोनों दो गाड़ी आ रही है। देखो एक नया पुराना, पुराना तो हमारा रेगुलर है ही। हाँ लेकिन नया भी है। नया भी है। हाँ आज नया इसलिए मिस किया था। हाँ कि थोड़ा लग रहा था कि बाजार ज्यादा डाउन जाएगा। ओके ओके। तो भैया हमारा फर्ज है व्यापारी को थोड़ा संभाल के रखना। ओके ओके बिल्कुल। गिराने के लिए तो जबरदस्ती घटा दो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गिराने के लिए अपने हिसाब से व्यापारी को रिपोर्ट देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे को समझ आता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो व्यापारी को बोला था सुपर शनिवार को थोड़ा हो सकता है बाजार डाउन जाए। डाउन जाए। लोडिंग एक दिन काटना। ओके ओके। इसलिए आज माल नहीं था। ओके तो कल आएगा फिर? रेगुलर है, कल नहीं रेगुलर है, लेकिन रेगुलर है। हाँ मतलब बीच बीच में छुट्टी कर देते हो जब लगता जैसे बाजार डाउन जाएगा। हाँ अगर लगता है बाजार जंप मारेगा तो हम व्यापारियों का ना, ना शुक्रवार को तो ऐसे भी माल ज्यादातर डाउन ही रहता है मेरे हिसाब से। जो मैं अभी मंडी घूम रहा हूँ, रिपोर्ट ले रहा हूँ, तो उस हिसाब से शुक्रवार को डाउन ही रहता है ज्यादातर मंडी। तो चलिए भैया थैंक यू, चलते आज का वीडियो यहाँ पे एंड करता हूँ।